हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल जनता ने पूछे ये 35 सवाल। 26 मई 2014 वो तारीख जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की सत्ता संभाली थी। इस 26 मई को मोदी सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है। सरकार बनने के चार साल पूरे होने के मौके पर बीबीसी हिंदी ने अपने पाठकों से पूछा कि मोदी सरकार से आपका क्या सवाल है। बीबीसी हिंदी को सैकड़ों लोगों से सवाल मिले हैं, इनमें नोटबंदी, रोजगार से लेकर अच्छे दिनों के बारे में लोगों ने सवाल किए। हम यहां आपको वो 35 सवाल पढ़वा रहे हैं जो आम जनता मोदी सरकार से पूछना चाहती है। मोदी सरकार से 35 सवाल। समान नागरिक संहिता बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में हमेशा रहा है, इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने क्या किया? क्या मोदी सरकार नोटबंदी के आंकड़े संसद में पेश करेगी? नोटबंदी का बस एक ऐसा फायदा बताइए जो आम जनता को सीधे तौर पर मिला। भारतीयों को 15 लाख रुपए कब मिलेंगे? पत्रकार जनता के सभी सवाल पूछने को बेताब है, मोदी जी पत्रकारों के सवाल का जवाब कब देंगे? मोदी जी, आप कहते हैं कि कांग्रेसियों ने घोटाले किए, चार साल में कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दंगों बलात्कार पर आप चुप क्यों रहते हैं मोदी जी? देश का भविष्य अगर नौजवान है तो मोदी इन युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? वेश्याओं की जिंदगी सुधारने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नफरत उगलते हैं, आप ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेते? देश में प्राइमरी और हायर शिक्षा बहुत महंगी है, सरकार ने चार साल में इसके लिए क्या किया? मोदी जी, आप अभी तक थिंक टैंक पर चल रहे हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के? राम मंदिर और धारा 372 को लेकर आपकी क्या योजना है? इन्हें आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। आप अपने भाषणों में सुनियोजित योजना के तहत झूठ बोलते हैं या जानकारी के अभाव में? मोदी जी, क्या आपको नहीं लगता कि देश सामाजिक तौर पर बिखर चुका है? धर्म के नाम पर भेदभाव अपने चरम पर है। आज और 2022 तक किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आपके शासन काल में युवा नौकरी क्यों नहीं पा रहे? मोदी जी, 70 साल को कोसना कब बंद करेंगे? कश्मीरी पंडितों का फिर से कब बसाया जाएगा? चार साल में गरीबों और अमीरों के बीच फासले को खत्म करने के लिए आपने क्या किया? मोदी जी, देश के किसानों के भले के लिए आप क्या करेंगे? जीएसटी की वजह से मैं बेरोजगार हो गया हूं, अभी तक मुझे मनपसंद नौकरी नहीं मिली, क्यों? पाकिस्तान के साथ हमारा रुख नरम क्यों है? ये हमारी कमजोरी है या हमारा डर? मोदी जी, देश के किसानों के भले के लिए आप क्या करेंगे? मोदी काल में मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मॉब लिंचिंग कब बंद होगी? आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अब बस ये बता दीजिए कि अच्छे दिन कैसे होते हैं? सरकारी नौकरियों में कमी क्यों आती रही है? भारतीय ट्रेन वक्त पर आना जाना कब शुरू होगी? गंगा सफाई को लेकर क्या हुआ? मोदी जी, आपके चार साल के विदेशी दौरों से देश को क्या फायदा हुआ? क्या कांग्रेस मुक्त ही विकास है? बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से अगर कोई अफवाह फैलाई जाती है तो इसके लिए आपकी जवाबदेही है या नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि 80% गौरक्षक आपराधिक तत्व हैं, फिर उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? सर, आप बुलेट ट्रेन पर रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं जबकि बहुत सारे विकास प्रोजेक्ट्स अब भी अधूरे हैं? आपकी कैबिनेट में अहम मंत्रालय राज्यसभा सदस्यों को दिए गए हैं ना, कि उन लोगों को जिन्हें जनता ने चुना है? ऐसा क्यों है? क्यों ये चुने हुए प्रतिनिधि अच्छे नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।